हेलो दोस्तों, ज्ञान साथी चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान साथी आपके लिए लेके आया है सेहत के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी की वीडियो। हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। हाई ब्लड प्रेशर के दौरान धमनियों में यानी कि मांसपेशियों में रक्त का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर दबाव लंबे समय तक रहता है तो सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक समेत कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 30 की उम्र के बाद हर व्यक्ति को नियमित रूप में यानी कि अंतराल टाइम रूप पे हाई ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके यहाँ कोई भी 30 साल की एज हो जाती है तो हर इंसान को चाहिए, चाहे वो सर दर्द बुखार में भी जाए तो डॉक्टर को बोले कि ब्लड प्रेशर चेक करो। पहला तनाव, तनाव के चलते हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, ये तीनों चीज़ें, नाम तीन है लेकिन काम एक है। तनाव से ना मानसिक बल्कि शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके लिए तनाव मुक्त रहें, वजन कंट्रोल करें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हो तो जंक फूड के सेवन पर अंकुश लगाएं। जी हाँ, जंक फूड के सेवन को रोकना होगा आपको, चाहे वो बाजारी हो चाहे वो घर का हो। जंक फूड में अधिक के सेवन में वजन बढ़ने लगता है। जंक फूड से सोडियम अधिक होता है, इसलिए जंक फूड से परहेज करें। नंबर तीन, एक्सरसाइज। ये जी हाँ, कसरत, एक्सरसाइज सब एक है। तो एक्सरसाइज आपने अपने हिसाब से करनी है, चाहे आपकी वो को चाहे डॉक्टर की बताई हुई। आधुनिक समय में लोगों की जो जीवन शैली है उसमें बहुत बदलाव आ गया है। लोग आराम अधिक और मेहनत कम करते हैं। कुछ लोगों का तो कंप्यूटर पे सारा दिन बैठने का काम है। इससे कई बीमारियां घर कर लेती है। इनसे हाई ब्लड प्रेशर एक है, इनमें हाई ब्लड प्रेशर एक है। इसके लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करें। इससे मोटापे में भी जल्द आराम मिलता है और हाई बीपी को भी आराम मिलता है। तो मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। चौथा आता है नमक। जी हाँ, जो उसके बगैर हमारा मन नहीं लगता खाने में। नमक कम खाएं। नमक और चीनी जो है अधिक के सेवन से सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। असंतुलित सोडियम से उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी की समस्या होती है। इसके लिए उचित मात्रा में नमक खाएं। आप नमक और चीनी मात्रा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाइजरी का भी सहारा ले सकते हैं। नमक अगर आपने खाना ही है तो जहाँ हो सके वहाँ सेंधा नमक का भी यूज करें। बैलेंस डाइट लें। डाइट हमारे हाई बीपी में बहुत कारगर है। सेहतमंद रहने के लिए उचित खान पान जरूरी है। लापरवाही करने से सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए रोज़ाना बैलेंस डाइट लें। आप अपनी डाइट में साबुत अनाज, फल, हरी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट, नट्स और सीड्स को शामिल कर सकते हैं।